अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, हम बात करते हैं मौसम के हवाले से। जैसे कि आप खुद भी जानते हैं कि वादी कश्मीर में इस साल ड्राई वेदर देखने को मिला है। यहाँ तक कि अगर हम बड़े बड़े दरियाओं की बात करेंगे, नदी नालों की बात करेंगे, वो बिल्कुल सुखड़ गए थे। नमाजों का अहतमाम किया गया, खसूसी दुआओं की भी अहतमाम किया गया। चिले कलां के आखिरी दिनों में हमें जो है बर्फबारी देखने को मिली है और तकरीबन पिछले 10-12 दिन से एक बार फिर वादी कश्मीर में मौसम जो है बिल्कुल खुश्क रहा है। आज से अगर देखा जाए कि वादी कश्मीर में आसमान की अगर हम बात करें, आसमान अबर आलूदा है और आने वाले एक दिन दो दिन में काफी ज्यादा बर्फबारी पड़ने का इम्कान है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे मेट डायरेक्टर जनाब डॉक्टर मुख्तार साहब से, उनसे हम जानेंगे वेदर के हवाले से। मुख्तार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। पिछले कई एक दिनों से लगातार अगर हम सोशल मीडिया की बात करेंगे, हैवी स्नोफॉल की पेशनगोई महकमे मौसमियात की तरफ से बताई जा रही है सर, इसके हवाले से तफसीलात दीजिए। जी, अभी वेदर अबर आलूद बना हुआ है खासकर आज रात से ही पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी से शुरू हो गया और कल मॉर्निंग से जो है बारिशें मैदानी इलाकों के अंदर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और कल खासकर बाद दोपहर शाम से जो है मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी के चांसेस हैं और लगभग 20 शाम तक रहेगा बर्फबारी और 19 को जो है इसका मेन एक्टिविटी है, खासकर 18 शाम से लेके 20 मॉर्निंग तक और दिन भर रहेगा 20 को भी। और कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं और इसी तरह जम्मू रीजन के अंदर भी बारिशों के साथ साथ थंडर लाइटनिंग और कुछ एक जगहों पे हेल स्टॉर्म के भी चांसेस हैं और पहाड़ी इलाकों के अंदर खासकर जम्मू रीजन के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट डोडा, किश्तवाड़, डिस्ट्रिक्ट ये रामबन और डिस्ट्रिक्ट पुंछ के जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे भी लगभग मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं। तो ओवरऑल एक मेजर वेट स्पेल के चांसेस हैं अगर आज रात से और लगभग देर तक रहेगा, उसके बाद जो है जी इसमें देखो आपका जो ट्रैवल करते हैं वो वेदर को मद्देनजर रखते हुए अपना ट्रैवल प्लान बनाए। पहाड़ी इलाकों के अंदर जहाँ बर्फबारी ऑलरेडी हुआ है और ताज़ा बर्फबारी के कारण कहीं पे एवलांच आ सकते हैं तो लोग थोड़ा सा एहतियात बरते हैं। जो हिली एरिया से हैं, जो स्लोप्स हैं या एवलांच प्रोन एरिया से हैं, इन सारे जगहों पे लोग परहेज करें जाने से और मौसम को मद्देनजर रखते हुए अपना ट्रैवल प्लान जो है अकॉर्डिंगली बनाए। सर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बात की।